हमारे शास्त्रों में तमाम ऐसे उपयोगी टोटके उपाय भरे पड़े हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप, क्रय विक्रय, कर्ज लेन देन तथा कर्ज से सरलता से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह व्रत, ज्योतिष, वास्तु, कथा आदि से संबंधित प्रामाणिक तथा शास्त्रीय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से व्यक्त करना मत भूलिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको सरलता से कर्ज मिल सके या आप लिए हुए कर्ज को सरलता पूर्वक उतार सकें तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होने वाली है। आइए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज के आर्थिक युग में कर्ज लेन देन सामान्य बात हो गई है। यदि हमें रुपए की जरूरत है तो हम बैंक से, मित्र से या अन्य किसी माध्यम से कर्ज लेन देन करते हैं तथा कई बार दे भी देते हैं। परंतु इसमें दिक्कत तब आती है जब हम दिए कर्ज को वापस नहीं पाते या लिए हुए कर्ज को लौटा नहीं पाते। तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ टोटके हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनके माध्यम से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पहला उपाय, यदि आपने कर्ज लिया है और आप उसे उतार नहीं पा रहे हैं तो इस उपाय को आप आजमा सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को शनिवार एवं मंगलवार को चमेली तेल में मिश्रित सिंदूर चढ़ाएं। ध्यान रखें, पीला सिंदूर होना चाहिए। यदि यह भी आपसे ना हो सके तो हनुमान जी के चरणों में ही सिंदूर व चमेली तेल को अर्पण कर दें तथा सिंदूर का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाएं। पूर्ण श्रद्धा व ब्रह्मचर्य धारण करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए जो दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं वह है, बुधवार का दिन श्री गणेश जी का होता है। इस दिन खड़ी मूंग को उबाल लें, उसमें थोड़ा देसी घी, शक्कर मिलाकर प्रत्येक बुधवार गाय को खिलाएं, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपको काली गाय मिल जाती है तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। अगला उपाय भी कर्ज प्राप्त करने के लिए है। जिस दिन आपको कर्ज लेना है, लोन लेना है, उस दिन घर से निकलने से ठीक पहले अपने स्वर का परीक्षण करें, अर्थात नाक के बाईं तरफ का छिद्र बंद करके दाहिने से सांस लें, निकालें और फिर दाहिना बंद करके बाएं से सांस लें और निकालें। जिस छिद्र से सांस सरलता पूर्वक ले पा रहे हों, निकाल पा रहे हों, वही स्वर माना जाता है। दाहिना चल रहा हो तो दाहिना, बायां चल रहा हो तो बायां पैर घर से बाहर निकालें। कर्ज आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा और आप उसे अच्छी तरीके से लौटा भी पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण जो टिप्स है, जो उपाय है, वह यह है कि अपने घर के वास्तु दोष को दूर रखें। आपके घर का जो ईशान कोण है उसको स्वच्छ, साफ सुथरा रखें। नैऋत्य कोण को हमेशा ऊँचा रखें तथा छत से गिरने वाले पानी का ढाल उत्तर एवं पूर्व की तरफ रखें। अगर घर से जल निकासी की कोई नाली निकल रही है तो उसे भी पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ निकलना चाहिए। इस कार्य से लिया हुआ कर्ज आसानी से उतर जाता है। अधिकतर मामलों में कर्ज लेना ही नहीं पड़ता, घर में सुख शांति बनी रहती है तथा भरपूर लक्ष्मी भी आती हैं। यदि आप कर्ज लेकर परेशान हैं तो गणेश पूजा करें। गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा, धान का लावा अर्पण करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या कराएं। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी तथा घर में लक्ष्मी की कृपा भी होगी। भगवान श्री गणेश के अथर्वशीर्ष पाठ को आई बटन में जाकर आप सुन सकते हैं। हमने इसकी वीडियो पहले ही बना रखी है जिसमें गणेश अथर्वशीर्ष को अर्थ सहित दिया गया है। मेष, कर्क, तुला, मकर
इन चार राशि को चर राशि कही गई है। ये चलित राशि हैं, हमेशा चलती रहती हैं। इन लग्नों में लिए गए कर्ज जल्दी एवं आसानी से उतर जाते हैं, लेकिन यदि आपको किसी को कर्ज देना है तो इन राशियों में नहीं देना चाहिए, इन राशियों के लग्न में भी नहीं देना चाहिए। और अगर यदि आपको कर्ज लेना हो तो ध्यान से मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न में ही लें। बृहस्पतिवार को ना तो किसी को कर्ज दें और ना ही कार्य व्यवसाय में ही रुपए लगाएं। दिया हुआ कर्ज बुधवार को वापस लें। कर्ज उतारने के लिए प्रत्येक बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ, गणपति आराधना लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आपने किसी को कर्ज दिया है, यदि आपका बहुत सा पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपको मिल नहीं रहा है, तो प्रत्येक मंगलवार के दिन भौम यंत्र की पूजा तथा ऋण मोचक भौम स्तोत्र का पाठ करने से नष्ट धन भी मिल जाता है। इस संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, आई बटन में जाकर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। शनिवार के दिन स्नान आदि के बाद अपने लंबाई बराबर काला धागा लेकर जलदार नारियल पर उसे लपेट दें तथा चंदन, अक्षत, पुष्प से, धूप से उस नारियल की पूजा करके किसी नदी या बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। अगला उपाय, पीपल वृक्ष में जलदान, दीपदान परिक्रमा भी कर्ज से शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। प्रत्येक शनिवार को यह कार्य करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, कपूर को भी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने तथा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला कहा गया है। कपूर के प्रयोग से भी आप वास्तु दोष, ग्रह बाधा दोष दूर कर सकते हैं तथा धन धान्य कार्य व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके संबंध में भी हमने वीडियो बना रखी है, अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। अगला जो उपाय है वह है कि गाय को प्रतिदिन पहली रोटी, ध्यान रखें कि जब आप रोटियां बनाते हैं तो जो पहली रोटी होती है उसे गाय को अवश्य खिलाएं। चींटियों को शक्कर दें और कुत्ते को जो आपके घर की अंतिम रोटी बचती है उस अंतिम रोटी को कुत्ते को खिलाएं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, अथवा आपके घर के आसपास बंदर आते हैं, तो प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को गुड़, चना एवं केला बंदरों को खिलाएं। इस कार्य से धन कर्ज संबंधी समस्त समस्याएं शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। अगला जो उपाय बताने जा रहा हूं वह भी अत्यंत उत्तम है। शिव जी को नित्य जलदान, दीपक दान किसी भी प्रकार के धन संबंधी कार्य के लिए सबसे उपयोगी कहा गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर प्रतिदिन जलदान करें तथा घी का दीपक जलाएं। यदि मिल सके तो बिल्व पत्र, शमी पत्र अर्पण करें। दिया कर्ज शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा तथा घर में भी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। अगला उपाय, सूखा बेल। ध्यान दें, सूखे बेल के गूदे को घी में भिगोकर 108 बार ओम श्रीयै स्वाहा इस मंत्र से प्रतिदिन हवन करें। शीघ्र ही धन लाभ होगा तथा कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। लक्ष्मी प्राप्त में सहायक यह अत्यंत उत्तम उपाय है। मित्रों, ये सब बहुत छोटे छोटे उपाय एवं टोटके हैं जो आजमाए हुए हैं और जिनसे सफलता मिलते हुए भी देखा गया है। आप भी इन्हें आजमाएं और लाभ प्राप्त करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय विश्वनाथ।